यार ऑस्ट्रेलिया है सम हाउ अर नंबर जिससे मराद ये होती है कि एक टीम के अगेंस्ट आप कैसा भी खेले इन दी एंड आपको डिफीट ही मिलनी है पहले तो ये है कि हमने वो रेगुलेशन कैचेस ड्रॉप करे कि अगर आप कराची की क्लब क्रिकेट में ड्रॉप करें तो आपके कोच आपको दो ओवर बाद बाहर बुला लें फील्डिंग ऐसी चीज होती है जिसपे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता और कैचिंग मुश्किल भी नहीं बहुत सिम्पल कैचेज आते हैं आई नो के उसामा मीर का डेब्यू था लेकिन ऐसे वो सौ कैचेस पहले भी पकड़ चुका होगा डोमेस्टिक और क्लब लेवल पे तो ये चीज़ें वो हैं जिनसे एक्सक्यूज़ नहीं है वही जिसके कैच ड्रॉप किए डेविड बॉर्नर उसने सिंगल हैंडेडली इतना स्कोर कर दिया जितना उनके नौ अगले बैट्समैनों ने नहीं किया ऑस्ट्रेलिया तो का वर्ल्ड कप के स्टार्ट से मजाक उड़ा था कि यार ये तो पता नहीं कौन सी ऑस्ट्रेलिया आ गई इवन उनके अपने कॉमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स मजाक उड़ा रहे थे और अब चार मैचेस के बाद ये हाल है कि ऑस्ट्रेलिया फोर्थ पोजीशन पे आ गई और पाकिस्तान जो है वो आ चुका है फिफ्थ पे यानी कि अगर अभी हम एक मैच और हारते हैं तो शायद गुंजाइश ही ना बचे हमारे टॉप फोर में फिनिश करने की विच मींस कि हम सेमीज में ही शायद ना जा सके तो वही बात आ गई कि जब आपको लाइक नो हेट टू बाबर आजम आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एवर वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड लेकिन व्हेन योर टीम नीड्स यू द मोस्ट इन बिग इवेंट्स यू वैनिश और मुझे लगता है आपकी असल जो है ना ऑथेंटिसिटी तभी पता लगती है एक क्रिकेटर की जब आप uh, ऐसे टाइम में डिलीवर करें परफॉर्मेंस जब आपकी टीम को जरूरत है मजे की बात ये ऑफ कोर्स नो कंपेरिजन टू विराट कोहली एक रात पहले ही विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी एंड ही टोक इंडिया ओवर द लाइन तो ये है कि इट वुड हैव बीन अ रियली ग्रेट स्लैप ऑन द फेस ऑफ द क्रिटिक्स जो बार बार कहते रहते थे कि बाबर इज़ नथिंग बट उनको जवाब देने के लिए बाबर भाई को परफॉर्म करना पड़ेगा वन इट मैटर्स द मोस्ट हालांकि पिच ऐसा हो गया था, था सेकंड इनिंग में कि हमें एक पॉइंट पे लग रहा था जब इफ्तार भाई मारे जा रहे थे कि यार इफ्तार और रिजवान अगर खड़े रह गए ना तो ये आराम से पूरा कर देंगे शायद एक दो ओवर पहले हो जाए बिकॉज ये वही सीनारियो बन गया था जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ओडी सीरीज़ विद इन पाकिस्तान हमने इतने ही बड़े टारगेट चेस किए थे इमाम ने रन किए थे बाबर ने रन किए थे बट आई गेस जब आप क्लब लेवल के लड़कों की तरह फील्डिंग करेंगे तो आप इतने ही रन खाएंगे वो तो थैंक्स टू शाहीन आफरीदी जिसने आखिर में इतनी अच्छी बॉलिंग की उनकी डेथ ओवर्स में मार्नस टॉयनस इन लोगों को हिलने ही नहीं दिया तो शाहीन आफरीदी सिंगल हैंडली दूसरा सवाल आता है हारिस रोफ पे कि ओके जब आप ज़्यादा पेस से बॉल करते हैं तो आप जो है वो यू आर वेरी प्रोन टू कंसीडिंग अलॉट ऑफ रन एज वेल लेकिन इतने सारे स्टेस्टिशियन स्टेटिस्टिशियंस जो टीम के साथ होते हैं आ, ये क्या नहीं बता रहे आज रफ्त को कि आपकी शॉर्ट बॉल जो है वो आप अगले चार मैच से पिछले चार मैच से करते आ रहे हैं तो शॉर्ट बॉल्स पर आप इधर उधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह आपको हर कोई मार रहा है इवन इन द इंडिया गेम रोहित शर्मा को बार बार वो शॉर्ट बॉल करे और वो हर बॉल स्टैंड में पहुंचाए तो ये कोई चीज़ सम ऑफ दीज थिंग्स इज डोंट मेक सेंस ये चीज़ें तो बहुत छोटे लेवल पे भी आपको पता होती है जो हैं जो मिस्टेक्स हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं शाहन को बिल्कुल स्विंग नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में स्टिल उसने पहला बार मुझे लगता है उसे एक छक्के के अलावा बहुत अच्छा किया इन दी एंड वो सिंगल हैंडडली इधर उधर इधर उधर से रन जो है बचा रहा था शायद वो डेविड वार्नर का कैच सामा ले लेता ले तो शाहीन इतने ये यह यहाँ तक नौबत ही नहीं आती बट अगैन वही बात है कि आपके कप्तान को खड़ा होना है अब्दुल्ला शफीक नया लड़का है लिटरली उसका थर्ड वर्ल्ड कप गेम है एंड उसमें भी वो आके इधर उधर से रन करा जाहिर एक्सपीरियंस की कमी है तो वो सिक्सटीज़ में आउट हो गया एक रैश शॉट मार के बट स्टिल आई वुड नॉट ब्लेम हिम बिकॉज उसने एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था इमाम के साथ उसके बाद जिम्मेदारी बाबर और जो आपके सऊद वगैरह नीचे आ रहे हैं उनकी है बिकॉज ओपनर्स काफ़ी हद तक अपना काम कर चुके हैं एक अच्छे रन रेट से खेला उन्होंने तो अब से हमें आगे जाने के लिए फिफ्थ पोजिशन पर जहाँ हम अभी हैं हमें सारे मैचेज़ जीतने और अभी हमारे मैचज़ अफगानिस्तान से भी आने हैं जो कि एक बहुत डेंजरस साइड है आफ़्टर बीटिंग इंग्लैंड फिर डिफेंडिंग चैम्पियंस इंग्लैंड से भी लड़ना है फिर साउथ अफ्रीका भी है फिर न्यूजीलैंड भी है तो ये ये कह लें कि अभी तो असली मुकाबला वाकई था अभी हमारे पास चांस था इस वाले परंजे इसको पूरा करके टेबल में ऊपर जाते तो ये है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गई है एक चीज़ जो बहुत क्लियरली दिख रही है वो ये है कि इफ्तार अहमद के बाद ऐसा लगता है कि हमारी दो विकेट्स बुक हुई हुई हैं मोहम्मद नवाज़ और शादाब का जो नंबर था शादाब हिमसेल्फ वॉज नॉट रियली क्लिकिंग विद द बैट उसकी जगह उसामा मीर आया वो भी इसी तरह खेल रहा था जिसको मतलब स्लैंग में कहते हैं लाठी चलाना या हथोड़ा मारना उसका बैट ऊपर से ऐसा ही आ रहा था ऑल्सो इज अ वेरी गुड बैट्समैन लेकिन वही बात है कि करंट सिचुएशन जब आती है जब प्रेशर बनता है तो आप के दिमाग में लॉजिक टेक्निक कुछ नहीं होता बस बैट घुमा रहे होते हैं हम लोग ऑफ कोर्स ये हम करते हैं बिकॉज वी आर वी आर वेरी क्लूलेस थ्रू आउट द गेम पूरे सौ ओवर हम लोग बहुत क्लूलेस रहे ऐसा लग रहा है कि टीम में अभी सिर्फ इफ्तार अहमद एक प्योर हिटर है हर टीम में दो तीन दो तीन प्लेयर्स होते हैं हमारे पास सिर्फ इफ्तार अगर इफ्तार चल गया तो ही कैन प्रोपेलस टू अ बिग टारगेट अगर वो नहीं चला तो हम वही ही थोड़े मोटे रन करके ऑल आउट हो जाते हैं चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड सो वी रियली हैव टू फाइंड रिदम इफ़ नॉट नाउ देन इस वर्ल्ड कप को फिर आप गुड बाय कर दें बाबर आजम का कोई भी स्टैचर हो रिजवान का कितना ही बड़ा प्लेयर हो बट रिजवान भी अकेला कब तक करेगा अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में हाइस्ट रन गेटर है चार मैचेस खेलने के बाद टू हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर उसके रन हैं जस्ट अ लिटिल बिट मोर देन विराट एंड रोहित लेकिन वही बात है वो अकेला कब तक करे हर मैच में तो नहीं चलेगा ही डज नीड समन टू स्टैंड विद हिम यहाँ पे लग रहा था कि बाबर शायद रुक जाए तो बाबर आउट हो गया उसके बाद लग रहा था कि इफ्तार शायद रुक जाए तो इफ्तार का थोड़ा सा अनलकी भी हुआ और एडम जैम्पा ऑफ कोर्स टॉप बॉलर है कॉम्बेटर्स भी यही कहते कि गुगली करके ना क्रैम्प कर देगा उसको उस इस स्पेस में और वही हो गया अगली बॉल के बाद ही तो मुश्किल सिचुएशन है भाई और अगला मैच जो है हमें जीतना ही जीतना है वरना आई थिंक उसके बाद हम वही पुरानी सिचुएशन पे आ जाएंगे कि अगर अफ़गानिस्तान में बम फूट जाए और स्विट्ज़रलैंड में आंधी आ जाए और न्यूजीलैंड में जलजला आ जाए तो शायद हम आगे पहुँच जाएँ तो घूम फिर के हम वहीं आ गए इतने सालों की बाद और इतनी ज़्यादा जो हम कहते हैं प्लेयर्स को बैक करते हैं ताकि परफॉर्म करें मैच विनर्स उन सबको बैक किया एंड वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस जिनको स्पेशली बैक किया नवाज और शदाब को उनकी वहीं ज़ीरो है सो आई थिंक वी रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के दौरान ही थोड़ा सा शेकी स्क्वाड जता है आपका यू नो आप ये मैसेज भेजते हैं बहुत सारे चेंजेस करके वी आर ऑल ओवर द प्लेस तो अभी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है एंड इट विल भी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द बोट हैंडल्स इट गुड लक टू द टीम और देर इज़ ओनली वन वे फ्राम हेयर एंड दैट इज़ आप